नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। अनिल जी, देश में पांचवें चरण का मतदान और राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमें 12 सीटों के लिए आज मतदान हुआ है। वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है पिछली बार के मुकाबले, करीब 70 के आसपास वोटिंग प्रतिशत पहुंचने की के आसार हैं, क्योंकि 6 बज चुके हैं। मतदान यूं तो अब संपन्न हो गया है, लेकिन जो अभी लोग बूथ में हैं वो लोग मतदान कर सकते हैं। वो प्रतिशत, वो आंकड़ा आते अभी समय लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो बात करें, जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लोगों ने उत्साह दिखाया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 6 मई को राजस्थान सहित 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान हुआ। एक तो ये राजनीतिक दलों ने शायद ध्यान नहीं दिया या चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया, 7 मई को आखा तीज है और आखा तीज देश में, पूरे देश में अबूझ सावा माना जाए ना माना जाए, राजस्थान के गांव गांव में अबूझ सावा होता है और शादी ब्याह होते हैं, और शादी ब्याह का मतलब एक दिन पहले ही रिश्तेदार दोस्त मित्र इधर से उधर चले जाते हैं, बारातें चली जाती हैं। आज भी हमने देखा कई दूल्हे वोट डालकर बारात लेकर गए। अब बारात में जरूरी नहीं है कि सारे बारातियों की एक ही जगह पर पोलिंग बूथ हो, तो परिवार कुनबे के लोग तो डाल पाए, लेकिन दूसरे बाराती जो रात में आ गए सुबह आ गए नहीं डाल पाए वोट। कई जगह मेरी गांव में बात हुई, गांव में कहा लोगों ने कि साहब शादी ब्याह के कारण लोग चले गए, वोट नहीं डल पाए। इसके बावजूद 65% से ऊपर मतदान हो रहा है और इसके 70% तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार पहले राउंड में, राजस्थान का पहला राउंड और देश का चौथा राउंड, उसमें राजस्थान में 13 सीटों पर 68% मतदान हुआ था। आज जो मतदान हुआ है, सुबह से अनुमान था कि ये 70% पे पहुंचेगा और अनुमान सही साबित होता नजर आ रहा है। गंगानगर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है, वो 70 के ऊपर जाएंगी। करौली में शायद सबसे कम हुई है जी। वो उसका बड़ा कारण शादी ब्याह है, क्योंकि गुजरों का इलाका है, ST का इलाका है, SC का इलाका जो भी है, वो वहाँ पर गुजर और मीणा और जाटव बैरवा, इनमें आखा तीज के ऊपर शादियों का बहुत जोर होता है। शादियों में बारात भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले चली जाती है और लड़कियों के वाले भी, रिश्तेदार भी इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये बड़ा भारी रहा, चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए था राजस्थान की तारीखें तय करने से वक्त भी। मुख्य चुनाव आयुक्त खुद राजस्थान रह चुके हैं, पता नहीं कैसे ये बात ध्यान में नहीं आई, और इस वजह से, वरना ये प्रतिशत और ज़्यादा होता और जिन इलाकों में कम है उनमें और ज़्यादा होता। जो अर्बन एरियाज हैं, गांव को छोड़ दें, कस्बे और शहर, जैसे अलवर शहर है, जयपुर शहर है, गंगानगर एक शहर है, गंगानगर में तो बिल्कुल आखा तीज को मानी ही नहीं जाती जी, वो तो पंजाबी कल्चर का इलाका है जी। उन शहरों में 80% मतदान अच्छा हुआ है, और जयपुर में हमने देखा कि सुबह से लोग 7 बजे लाइन में लग गए, और 7 बजे मैं जिस बूथ पे वोट दे रहा था, वहाँ CAG देश के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी वहाँ थे, राजीव महर्षि, उनको भी आधा घंटा वेट करना पड़ा, मुझे भी आधा घंटा वेट करना पड़ा, लंबी लाइन, बुजुर्ग आ रहे हैं, चला नहीं जा रहा तो भी आ रहे हैं, सहारे से आ रहे हैं, सेल्फ प्रोवोक्ड होकर लोग वोट देने आए थे जी। आज की सबसे बड़ी खासियत 6 मई के या 29 अप्रैल के मतदान की यह है, आज तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जयपुर शहर जैसे इलाके में ढूंढने में मिल रहा था। कई बूथों पे कांग्रेस के लोग नहीं थे। कांग्रेस के यहाँ पर कितने MLA हैं जयपुर शहर में? हवा महल में MLA कांग्रेस, सिविल लाइन्स में MLA कांग्रेस, किशनपोल में MLA कांग्रेस, आदर्श नगर में MLA कांग्रेस, और जहाँ नहीं है वहाँ भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग नहीं थे। वहाँ तो माली नगर में 1600 वोट से आ रही थी अर्चना शर्मा, तो वो बहुत ही क्लोज मुकाबला था। इसके बावजूद कांग्रेस की बूथ पर लोग दिखाई नहीं दिए, कोई विशेष उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिला। भाजपा के कार्यकर्ताओं में वैसा जोश नहीं था जैसा हर बार के चुनाव में होता है, पर शायद उन्होंने अनुमान लगा लिया था उस जोश की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी खुद ही कमजोर पड़ी हुई, निराश, और भाजपा का संगठित कार्यकर्ता घर घर जाकर जो पहले संवाद कर चुका, और मोदी या ना मोदी अर्बन एरिया में इस विषय पर वोट हुआ है, कैंडिडेट को किसी ने देखा नहीं,
और इस विषय पर जब वोट हुआ तो सेल्फ प्रवोक्ड होकर आदमी तब वोट देने आता है, 80 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, विकलांग, पांव से चला नहीं जा रहा, लाठी टेकते लोग आ रहे हैं, जब कोई प्रोवोकेशन हो। पहले हमने देखा चुनाव में कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर निकालते थे और वोटर नानुकुर करता, अभी बहुत गर्मी है, शाम को आऊँगा, सुबह आऊँगा, देर से आऊँगा, ये करूँगा, अभी मेरे काम है, तैयार नहीं हुआ, नहाया नहीं, ऐसी बातें करता था। आज जो हमने परिदृश्य देखा जयपुर शहर में, बाकी बाहर का तो हमारे संवाददाता बताएंगे, लेकिन जयपुर शहर में परिदृश्य देखा कि आदमी ने किसी के बुलावे का, किसी के न्योते का, किसी की गाड़ी का, किसी के रिक्शे का कोई इंतजार नहीं किया। आदमी खुद चल चल कर वोट देने आ रहे थे। सेल्फ प्रवोक्ड वोटर या तो किसी को बनाने के लिए आता है या किसी को बिगाड़ने के लिए आता है। कोई प्रोवोकेशन था, कोई अंडर करेंट था, अंडर करेंट मोदी मोदी था या ना मोदी ना मोदी था, इस पर हम नहीं जाना चाहते, पर अंडर करेंट अवश्य था, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। और बुजुर्ग वोटर भी, नौजवान वोटर भी सब चुप थे। पहले जब हम वोट देने जाते थे लाइन में लगे लोग भी आपस में बहस में उलझ जाते थे जी। आज मैंने बहस करते नहीं सुना किसी को, लोग चुपचाप चुपचाप आ रहे थे, वोट देके जा रहे थे, बिल्कुल आपस में दो लोग संवाद भी नहीं कर रहे थे, किसे देगा किसे नहीं देगा, या देश की कोई राजनीति पे चर्चा कर रहा हो, या वोटिंग बूथ से बाहर ही थोड़ा थोड़ा एक मंडलियां बन जाती थी, थोड़ा बहस होती थी, हाँ, चर्चा होती, अब नहीं हो रहा कुछ भी, कुछ भी नहीं हो रहा। आए लोग, मतलब शहर अर्बन इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, जयपुर जैसे जहाँ सबरांत लोग रहते हैं, सी स्कीम में, तिलक नगर में, राजा पार्क में, उन इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, लोग आ रहे हैं वोट देके जा रहे हैं, कोई किसी से पूछ भी नहीं रहा और कोई कह भी नहीं रहा। पहले तो लोग कमल का निशान दिखाते थे, हाथ का निशान दिखाते थे, ध्यान रखना साहब, ध्यान, कोई नहीं कह रहा किसी को ध्यान रखना, जैसे सबने ध्यान करके आए घर से। तो ये अजीब बात, नई बात, और ये पहला चुनाव है जो सोशल मीडिया से पूरी तरह प्रभावित, टीवी चैनलों से पूरी तरह प्रभावित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरी तरह प्रभावित, आदमी की माइंड की कंडीशनिंग कर दी गई हो ऐसा लग रहा था, और एक कंडीशनड माइंड लेकर, एक डिटरमाइंड माइंड लेकर लोग वोट देने आ रहे थे ऐसा लग रहा था मुझे जी। अब वो डिटरमिनेशन क्या था इस पर हम आज नहीं जाना चाहते, 23 तारीख को खुल के आएगा सामने, पर डिटर्मिनेशन के साथ वोटर वोट देने आ रहा था, उसको कोई इफ एंड बट नहीं था उसके दिमाग में, कोई हिचक नहीं थी किसे वोट देना, वो आ रहा तीर की तरह आ रहा, वोट देके जा रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा, संवाद नहीं कर रहा, कोई उसे कन्विंस नहीं कर रहा, कोई उसे लेके नहीं आ रहा, कोई उसे छोड़ के नहीं आ रहा जी। अनिल जी, ये जो पूरी कवायद है, इसमें आपको चुनाव आयोग की भूमिका कैसी लगती है? क्योंकि मुझे लगता है इस बार उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया, खूब कैंपेन किए, लोगों को जागरूक किया मतदान के लिए, कहीं ना कहीं ये उसका भी एक नतीजा, एक सकारात्मक हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग ने तो निश्चित तौर पर बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, विज्ञापन भी दिया और जगह जगह होर्डिंग लगाए, प्रचार तरह तरह से, नुक्कड़ नाटक हुए, स्वीप कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, और बहुत सारे एफर्ट किए, चुनाव आयोग ने सराहनीय काम किया चुनाव के, वोटिंग के जागरूकता के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो वोटर आ रहा था वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा था उसे एक वोट देना है जी, उसे कुछ करना है, उसे कुछ करना है जी, उसे किसी को बनाना है, किसी को बिगाड़ना है, ये किसी को नहीं, आइदर थिंग, आइदर सोच जी, ये थी या वो थी, पर सोच थी, वो डिटरमिंड होके आ रहा था और सेल्फ प्रोवोक्ड था वो जो वोटर आ रहा था जी। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा था वोट देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है, इसलिए मैं वोट दे के आऊं, ऐसा नहीं था। और ये भी खास बात बता रहा हूं कि मैं तो जिस बूथ पे था, मेरे पीछे एक भाई बहन का जोड़ा था, यंग सी लेडी थी, वो पूछ रही थी जयपुर में खड़ा कौन हुआ, नाम तो बता, मतलब नाम नहीं जानी थी, पंजा का निशान और कमल का निशान जानती थी वो, कांग्रेस बीजेपी, पर उसको नाम नहीं पता था। और उसके भाई ने भी कहा कि नाम तो मेरे को भी नहीं पता, मैं सुन रहा था पीछे, आगे खड़ा था, तो वहाँ एक पोस्टर लगा था, उसमें नाम लगे थे, वो भी साफ दिख नहीं रहते, लेकिन किसी ने नाम नहीं देखा, कि चेहरा नहीं देखा, चेहरा पता नहीं याद भी होगा नहीं होगा प्रत्याशी का लोगों को, पर लोग नाम और चेहरे के बिना भी निशान देख के वोट दे के आए हैं। और ये डिटरमिंड वोट किस अंडर करेंट की वजह से था, किस सोच की वजह से था, ये 23 तारीख को पता लग गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो ढांचा था उसने काम किया है, कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर वैसा काम नहीं हुआ जैसा काम होना चाहिए था। शायद विधानसभा चुनाव की जीत ने उन्हें ये आश्वस्त कर रखा था कि जैसे विधानसभा में जीते वैसे यहाँ भी हम जीत ही जाएंगे, और इतने सारे MLA कांग्रेस के थे, उसके बावजूद जिन बूथों पर मैं गया या हमारे और रिपोर्टर्स गए वो बता रहे थे कि उस तरह की मेहनत
नहीं हुई कांग्रेस तरफ से जिसकी अपेक्षा थी। अब परिणाम क्या आता है ये तो ईश्वर जानता है, वोटर जानता है, लेकिन मेहनत में बीजेपी ने कसर नहीं छोड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछला चुनाव जयपुर शहर में 5 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो इतनी सारी सीटें हार गई, आदर्श नगर प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हार गए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री सिविल लाइन्स में हार गए, अरुण चतुर्वेदी हाँ, लाइन से और किशनपोल में दिग्गज हार गए, एक दिग्गज मोहनलाल गुप्ता, कालीचरण सराफ हारते हारते बचे, और महेश जोशी जीत गए कांग्रेस के, इतनी सारी जीतें उसके बावजूद बीजेपी ने पूरी मेहनत की है और नेशनल लेवल पर उन्होंने किया है। और मोदी यहाँ सभा करके गए, इसका भी प्रभाव था कि लोगों के जहन में था, और अब नतीजा तो प्रिडिक्ट करना ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता। अभी 2 चरण में देश में भी चुनाव होना है जी। और हमें भी लगता है कि ये सट्टा बाजार और इस तरह के बाजार ये सब अनुमान लगाते रहते हैं जी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मिशन 25 किसी का सफल नहीं होगा ऐसा लगता है, और कांग्रेस शायद विधानसभा चुनाव जैसी सफलता ना दोहरा पाए ऐसा भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। उस वक्त एक फ्रेज चल पड़ा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, शायद भाजपा कार्यकर्ता उसी रास्ते चला है। पहली लाइन को उसने विधानसभा चुनाव में चरितार्थ किया, दूसरी लाइन को लोकसभा चुनाव में चरितार्थ किया, भाजपा कार्यकर्ता का जहां तक सवाल है जी। चलिए सत्ता संग्राम में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सत्ता संग्राम में। अनिल जी, 1.5-2 महीने से जो धूमधाम थी राजस्थान में चुनाव की, कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा थम गई है, लोग सांस लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन इस चुनाव में मुद्दे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। प्रधानमंत्री मोदी जब भी सभा करने आए उन्होंने अक्सर कैंडिडेट्स का नाम नहीं लिया, मुद्दों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कमल पर बटन दबाओगे वोट मोदी को जाएगा, तो देश में और प्रदेश में चुनाव कम से कम 24 सीटों पर, 25 तो नहीं जी, हनुमान मेनीवाल सीट को मैं उसमें काउंट नहीं कर रहा फिलहाल, 24 सीटों पर वोट मोदी को गया अगर किसी ने कमल के निशान पे बटन दबाया तो। मतलब विकास ही नहीं, प्रत्याशी भी गायब, प्रत्याशी भी गायब था, प्रत्याशियों के नाम भी नहीं लिए उन्होंने। जयपुर सभा में कहा नाम लिया उन्होंने जी, नहीं लिया, सब इरेलेवेंट, पार्टी इरेलेवेंट, प्रत्याशी इरेलेवेंट, वोट मोदी को जाएगा। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमेरिका में होता है जी। राष्ट्रपति ट्रंप लड़ रहे हैं, ट्रंप क्लिंटन लड़ रहे हैं, क्लिंटन को वोट जा रहा है, ट्रंप को वोट जा रहा है जी। हमने पहले सुना था कि मोदी ऐसा करना चाहते हैं देश में, पर भारत के संविधान और संविधान में संशोधन इतना आसान नहीं था। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ हिज ऑरेटरशिप ऐसा कर दिया कि देश मोदी पर के चुनाव केंद्रित हो गया, मोदी या ना मोदी। और ना मोदी कहने वालों के पास सामने पेश करने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था, चेहरा नहीं था जी। तो उन्होंने विकल्पहीन विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके अपने आप को एकमात्र देश का नेता साबित करने की कोशिश की है। तो अगर मोदी खिलाफ वोट देने वाला व्यक्ति है तो उसके घर से बूथ तक जाते जाते ये 4 बार विचार आएगा कि सामने बनेगा कौन प्रधानमंत्री फिर जी। ये प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न मोदी ने देश के सामने रख दिया, मतदाता के सामने रख दिया, और ये रख दिया कि पार्टी भूल जाइए, कार्यकर्ता भूल जाइए, प्रत्याशी भूल जाइए, कोई चेहरा हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष हो, कुछ नहीं है, जो है वो मोदी है। अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, भाजपा सरकार तो इसलिए ये चुनाव मोदी या ना मोदी इस पर केंद्रित कर दिया गया। और अगर मोदी तो आप देशभक्त, ना मोदी तो आपकी देशभक्ति पर सवाल निशान। अगर आपको देश को बचाना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है, गोली दागनी पाकिस्तान पे, तो इधर बटन दबा दो कमल पे। ये टर्निंग है पूरे चुनाव की, और इस टर्निंग को फेस नहीं कर पाई कांग्रेस जी। और वो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह से न्याय योजना सामने रखी, 72,000 रुपये सालाना देंगे ये भी रखा, किसानों के कर्जे माफ का मुद्दा, और गहलोत ने तो
सीएम गहलोत ने तो बहुत जबरदस्त मोर्चा लिया, बताया पूरे बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी ने, ये बनाया हमने, ये किया, हम क्या देशभक्त नहीं है, जवाब देने की पूरी कोशिश की अशोक गहलोत ने जी। पर वो अशोक गहलोत अकेले ही दिखे जवाब देते हुए। कांग्रेस के पास मैं नहीं समझता कि वो अपने 75-55 साल के कार्यकाल की 70 साल में क्या किया क्या किया बताने के लिए भी, उपलब्धियां जो थी वो उपलब्धियां बताने लायक भी वो उनके पास नहीं था। कहते रहे कि आपने 70 साल में क्या किया, पूरे देश के सामने उन्होंने यही बात रखी। वो नई पीढ़ी जो आई है जी, मैंने पहले भी कहा था कि 18 साल की उम्र में वोट दे रही है, उसको ये नहीं बता पाया 18 साल की उम्र में तुम वोट इसलिए दे पा रहे हो कि राजीव गांधी ने एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया था, ये नहीं बता पाए। बिल्कुल, सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे ज्यादा काम राजीव गांधी ने किया था, आज हम मोबाइल लेके जो सारी चीज कर रहे हैं वो सब चीजें, तो वो नहीं बता पाए। इसलिए नई पीढ़ी को जिसको इतिहास पता नहीं था, जिसने इंदिरा गांधी ने देखा, जिसने राजीव गांधी ने देखा, वो ब्लैंक थी कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में, कांग्रेस सरकार के किए गए कामकाज के बारे में, और उसकी कंडीशनिंग कर दी थी मोदी ने, मोदी के प्रचार तंत्र ने, टीवी चैनलों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, उस कंडीशनिंग ने उनका एक माइंडसेट बना दिया था, उस माइंडसेट से गवर्न होकर उन्होंने वोट दिया है जी। अब जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोटर है, जातिगत आधार पर जहां वोट पड़ा है वहां पर, और पार्टी की पॉलिसी के आधार पर, हिंदुत्व की पॉलिसी के खिलाफ या हिंदू की पॉलिसी के पक्ष में जो वोट पड़ा है, उसमें जरूर कांग्रेस को राहत की सांस है। और कुछ सीटें मैं बता सकता हूं कि जैसे नागौर है, गंगानगर है, करौली है, दौसा है, इन सीटों पर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, अलवर में भी टक्कर दे रही है। अनिल जी, कारण इसका ये भी हो सकता है ना कि ठीक है पूरे देश में मोदी लहर है, राजस्थान में भी है, लेकिन राजस्थान में कई सीटों पर जाति ध्रुवीकरण है वो बहुत ज्यादा मायने रखता जी, है जी। और यहाँ राजस्थान में ट्रेडिशनली जाति आधार पर वोट होता रहा है जी। अब जाति आधार को बिल्कुल ओवरशैडो करके मोदी की छवि एकदम हो जाए, पिछली 13 सीटों पर तो संभव था जी। आज की 12 सीटों पर यह उस तरह संभव नहीं था। ये 12 सीटें जिनमें जाट बेल्ट की सीटें भी आती है और जिनमें एससी एसटी बेल्ट की सीटें आती जी, है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, इनमें इतना आसान नहीं है कि जातिवाद के ध्रुवीकरण से बचकर और सीधे मोदी के आधार पर। लेकिन ये मेरे पास तत्काल जैसे रिपोर्ट आई, दौसा की सीट बिल्कुल कांग्रेस तरफ झुकी हुई थी, दो दिन में बीजेपी ने इस बात को समझ लिया और बहुत मेहनत करके बूथ टू बूथ वर्क किया और वो बराबर की टक्कर पे ले आए सीट को, दौसा वाली सीट को जी। ऐसे ही लगता है कि गंगानगर में हमें शुरू से लग रहा था कि 70-75% पोलिंग होगी और गंगानगर सीट, नगर की सीट शायद कांग्रेस के हाथे में जाए, लेकिन वहाँ भी जो पोलिंग तो 70% के आसपास हुई गई, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी ने मोर्चा लगाया है, एक एक बूथ पर कोशिश की है, नागौर में कोशिश की है, जयपुर ग्रामीण में तो खैर बीजेपी का अपर हैंड था पहले से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैंडिडेट खुद इतने मेहनती और इतने उन्होंने 4 साल में 5 साल में जो कनेक्शन रखा पब्लिक के साथ, तो उन्होंने गांव गांव गली गली से नुक्कड़ नुक्कड़ से अपने आप को जोड़ के रखा, बच्चों के लिए खेल कराए, ग्रामीण खेल स्टेडियम बनवाए, खूब काम किया उन्होंने। लेकिन कृष्णा पूनिया ने वहां भी आकर जाति ध्रुवीकरण पैदा करके उन्हें चुनौती दे डाली है। तो इसलिए ये जो 6 मई वाला मतदान है, दूसरा चरण राजस्थान का जी, ये मैं शुरू से कहता हूँ इसकी दिशा डिफरेंट होगी, 29 अप्रैल वाले मतदान के फैसले की दिशा शायद इससे अलहदा हो, ऐसा मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता हूं क्योंकि अनुमान तो अनुमान होते हैं, दिल में घुस के कोई नहीं देखता। मतदाता बहुत साइलेंट रहा है इस बार और तय करके घर से निकलता है, ऐसे ही घर से नहीं निकलता किसी को दे दूंगा या उसको दे दूंगा, उसके मन में एक धारणा है किसी को बनाने की या किसी को न बनने देने की, दोनों में से कोई एक धारणा है, कौन सा सोच प्रिवेल करता है और कौन से लोग ज़्यादा संख्या में जाकर वोट डाल के आते हैं इस पर निर्णय करेगा, निर्भर करेगा जी। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 2 चरण में मतदान हुआ, 29 अप्रैल को, 6 मई को, नतीजे 23 मई को आएंगे, प्रत्याशी अब थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे क्योंकि 1.5-2 महीने से सभी लोग, चाहे प्रत्याशी हो चाहे पार्टी हो, जोर शोर से चुनाव प्रचार में मतदाताओं को घर से बाहर निकालने में लगी हुई थी। एक बात की मैं जी चुनाव आयोग को बधाई दूंगा, राजस्थान की पुलिस प्रशासन को बधाई दूंगा, राजस्थान के नेताओं को भी बधाई दूंगा और राजस्थान की जनता को बधाई दूंगा। हिंसा की जैसी वारदातें पहले होती थी जी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, एक जाति विशेष के लोग वोट नहीं डाल पाते थे, ऐसी शिकायत इस बार नहीं के बराबर मिली है। नहीं के बराबर क्या, हम तक तो नहीं तक नहीं पहुंची है, तो इसका मतलब राजस्थान में चुनाव उतने शांतिपूर्वक हो गए हैं, या तो जिन्होंने किया उन्होंने बात बाहर नहीं आने दी और या फिर हुआ ही नहीं है। अनिल जी, अगर ऐसा हो नहीं सकता, अगर बात होती तो सोशल मीडिया इतना प्रभावी है आजकल कि बात बिल्कुल बाहर आ ही जाती है। लेकिन मतलब ये आश्चर्यजनक बात है
कि राजस्थान में जहां दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर ये ऐसे इलाके रहे जो बहुत संवेदनशील, अति संवेदनशील हैं और जहां पर टकराव भी होता है गांव-गांव में, बूथ कैप्चरिंग भी होती है, लोग किसी जाति, नागौर में किसी जाति विशेष के लोगों को, जाति विशेष के लोग वोट नहीं डालने देते। अब के ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया, जानकारी में नहीं आया, खबर अखबारों में, चैनलों में नहीं आई अभी तक। इसका मतलब आम तौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, इसके लिए राजस्थान की पुलिस, चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं, राजस्थान की आम जनता, नेता सभी बधाई के पात्र हैं। जी चलिए, सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम 23 मई को नतीजों के साथ। नमस्कार।